दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन बातों को जानने वाले लड़कों से औरतें या लड़कियां बहुत ही जल्दी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि किसी लड़की को या शादीशुदा औरत को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या है वो बातें या क्या है वो तरीके, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं और उस काम को करने का हमारे पास नॉलेज ना हो या कैसे करना है ये पता ना हो, उस काम को करने में हमें थोड़ा डर लगता है या हिचकिचाहट होने लगता है, उस काम को करने में हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। और यही सब बातें किसी लड़की को या किसी औरत को पटाने के मामले में भी जानना ज़रूरी होता है। और जिन लड़कों को ये बातें पता होता है, लड़कियाँ और औरतें उन लड़कों से बहुत ही जल्दी पड़ जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ बातों के बारे में बताने वाला हूँ, तो आइए जानते हैं उन बातों को। नंबर एक, दोस्तों, किसी लड़की को या किसी शादीशुदा औरत को इम्प्रेस करने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आपको बातों में एक्सपर्ट बनना सीखना पड़ेगा। जब भी आप शादीशुदा औरत से बात कर रहे हो या उनके सामने बात कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो, आपसे बातें करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, या आप अपनी बातों से लोगों को हंसाते हो, लोगों को आपसे बातें करके अच्छा फील होता है। तो इस तरीके से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करोगे, बातों में एक्सपर्ट बनोगे, बातें करते समय बीच बीच में अच्छा पंच मारोगे, अच्छे अच्छे डायलॉग बोलोगे, लोगों को हंसाओगे, जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट आप में बना रहे। तो आप अपने बातचीत का तरीका डेवलप करके किसी भी लड़की को या शादीशुदा औरत को अपनी तरफ बहुत ही जल्दी आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे, उन्हें इम्प्रेस कर पाओगे, उनसे दोस्ती कर पाओगे। नंबर दो, दोस्तों, जिन लड़कों को या पुरुषों को ये पता होता है कि लड़कियों को या शादीशुदा औरतों को करीब लाने के लिए या उनका दिल जीतने के लिए आपको उनका भरोसा जीतना पड़ता है, जिससे आप आसानी से उनका ध्यान, उनका अटेंशन हासिल कर पाओगे। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी शादीशुदा औरत से बात कर रहे हो और उन्हें आप पर भरोसा ना हो, चाहे वो आपकी कितनी भी पुरानी जान पहचान की क्यों ना हो, जब तक उस औरत का आप पर भरोसा नहीं होगा, तब तक वो आपके करीब आने से हमेशा बचेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करेगी। तो इसीलिए किसी लड़की को या शादीशुदा औरत को इम्प्रेस करने के लिए आप उनका भरोसा भी जीतना ज़रूरी होगा। ये चीज़ भी आपको हमेशा पता होनी चाहिए और आपको हमेशा इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। नंबर तीन, दोस्तों, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जिन लड़कों को ये पता होता है कि औरतें दिल से नहीं दिमाग से पटती है, तो ऐसे लड़के बहुत आसानी से औरतों को इम्प्रेस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक औरत है और उसे दो लड़के पसंद करते हैं। एक लड़का जो है वो अपने इमोशंस के ज़रिए या सीधे सीधे जाकर अपनी फीलिंग्स बताता है, और तो उस लड़के से वो औरत दूर भागने लगती है, उसे इग्नोर करने लगती है और भी ज़्यादा भाव खाने लगती है, नखरे दिखाने लगती है, या सीधे सीधा कहा जाए तो उससे इम्प्रेस नहीं होती। और वहाँ पे दूसरा लड़का जो है वो एक प्लानिंग करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है, ऐसे इंसान से हेल्प लेता है जो उस औरत के बहुत करीब होता है। वो लड़का उस थर्ड पर्सन के ज़रिए उस औरत के करीब जाता है, उस औरत से दोस्ती करता है और बातचीत करना शुरू करता है, अपनी जान पहचान बनाता है, धीरे धीरे औरत का भरोसा हासिल करता है, अपनी बातों से उस औरत को इम्प्रेस करता है और बाजी मार लेता है, मतलब औरत को पटा लेता है। तो दोस्तों, चाहे औरत हो या लड़की हो, उन्हें पटाने के लिए दिल नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। दिल से अगर आप इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिल से किया गया काम हमेशा आपके फीलिंग्स को दिखा देता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आप उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हो। नंबर चार, किसी औरत को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें हमेशा स्पेशल फील करवाओ।
जितना भी टाइम उनके साथ रहो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपके लिए वो स्पेशल है, उनमें कुछ खास बात है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके लिए आप उन्हें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, उनकी तारीफ कर सकते हो, उनके बातों में इंटरेस्ट दिखा सकते हो। जितना ज़्यादा आप उन्हें स्पेशल ट्रीट करोगे, उन्हें स्पेशल फील करवाओगे, उनको उतना ही ज़्यादा वो आपके पास आएगी, आपके करीब आएगी। तो दोस्तों, जिस भी पुरुष को इन बातों का पता होता है वो बहुत ही जल्दी किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को पटा लेते हैं।